वेलकम फ्रेंड्स, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की क्लास शुरू हो चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी ने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, कहाँ तक पढ़ा हुआ था? घनमूल और वर्गमूल, है ना। इसके पहले हमने ये भी पढ़ लिया था कुछ की दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे करते हैं, लेकिन आप लोगों ने शायद बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो इसको हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दशमलव संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसान होता है, उतना आसान और कुछ भी नहीं होता है। बस इतना आप जान लीजिए, ये हम इतना बड़ा बड़ा लिख के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर आगे दशमलव लगा रहे हैं। अगर 0.100 का इस ऐसे करके इसका निकालना है हमें घनमूल, तो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है 0.512 का घनमूल क्या होगा, तीसरा है 0.125 का घनमूल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर ये तीन रहेगा तभी घनमूल होगा, अगर तीन नहीं होगा तो ये वर्गमूल होगा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा और क्या आएगा। तो चलिए हम आपको हल करके बताते हैं, तरीका बताते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट तो कर दिया होगा, फिलहाल लोग पढ़ने के लिए जुटे हैं। जिनको आता है वो जल्दी से ऑप्शन कमेंट करें, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए, हमारे जो सवाल हैं उनमें हम पहला सवाल बाद में हल करेंगे, पहले हम हल करेंगे ये दूसरा सवाल। तो ये है 0.512, ये दिया है ना, तीन अंक पर दशमलव लगा है, ये मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसके इस खाने के अंदर में, ठीक है ना। अब ये सुरक्षित है, तीन अंक पे क्या है, दशमलव लगा है, तो आप क्या करेंगे, पहले अंडर रूट को भूल जाइए, अंडर रूट को भूल करके ये 512 लिख करके और ये दशमलव का हिसाब कर दीजिए। पहले तीन अंक पर दशमलव था, इसलिए क्या करते हैं, नीचे एक बढ़ा के तीन जीरो कर देते हैं, अगर तीन अंक पर दशमलव होता है। अगर दो अंक पर दशमलव होता तो नीचे दो जीरो, हो गया ना। लेकिन इतने से तो काम नहीं बनने वाला, दशम ये लगा था वर्गमूल घनमूल का चिन्ह, तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। क्लियर, हमने आपको याद करवाया था 20 तक का घनमूल याद करवाया था ना। तो 512 8 का घन क्या है, घन है, घन मतलब जानते हैं, 8 की घाते अगर 3 करूं तो इसका मान 512 आता है। कैसे आता है आप नहीं जानते होंगे, इसका मतलब ये कि 8 × 8 × 8 तीन बार गुणा कर लो आ जाएगा, समझ में आया ना। 8 × 36 = 64 × 8 = 512, तो इसका 8 हो गया, 1000 का 10 हो जाएगा, ये आपका 8/10 हो गया उत्तर। लेकिन इतने से नहीं अभी काम बनना, ये कट जाएगा, 2 × 8 = 2 × 5 = 10, इस तरह से 4/5 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, समझ में आई बात ना, लिख लीजिए। अगर आपको इसको पॉइंट में निकालना है तो क्या करेंगे, पॉइंट में निकालना है तो क्या करेंगे, भाग दे देंगे 5 से 4 में, यानी कि ये कितना आएगा, 0.8 आएगा लगभग में, दशमलव में आएगा तो 0.8 आएगा। ये तो ये तरीका है। दूसरा तरीका आप आसानी से ये जान लें कि अगर कहीं भी तीन अंक पर दशमलव लगा है और वो संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन मतलब जिसका घनमूल निकल सके, बहुत सी संख्याओं का नहीं निकलता है, तो जिसका घनमूल निकल सके अगर वो संख्या है, तो आपको उत्तर लिखने के बाद दशमलव को भूल जाइए, संख्या का घनमूल करिए, उसके बाद एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, समझ में आया ना, ये तरीका होता है। इसी तरह से आप कर लेंगे तीसरा सवाल, तो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। तीसरे के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे पहले पे, क्योंकि पहला जो है ना ये सबसे अलग और सबसे जुदा है, तो पहले के बारे में नहीं, पहले तीसरे के बारे में बात करते हैं। तीसरा भी ऐसे है 0.125, इसको भी आप लिख देंगे 125/1000, घनमूल निकालेंगे 25 × 125 = 5, 1000 = 10, और ये कट जाएगा 5 × 5 = 10। बहुत से लोगों के ऊपर से उड़ रहा होगा कि भाई ये 25 का 5 कैसे हो गया, 1000 का 10 कैसे हो गया, है ना, बहुत से लोगों के दिल में ये बातें आ रही, मुझे मालूम है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर आप लोगों ने देख लिया, 1/2 आया ना, ऑप्शन नंबर ए सही है, लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 और 10 कैसे आता है। वैसे तो हमने इसको कर दिया है पिछली क्लास में, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छाओं को देखते हुए हम इसे कर रहे हैं। देखिए, 125 का 5 कैसे आता है, दरअसल इसका ऐसे गुणनखंड करते हैं घनमूल निकालने के लिए, पहले तो 5 से काटेंगे, 5 × 25। अब कुछ लोगों के दिल में ये आ रहा होगा कि 25 कहाँ से आया, कहाँ से आया भाई, तो ये कोई बहुत मुसीबत नहीं है भारी, ऐसे भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं,
उस संख्या से भाग करेंगे जिससे ये पूरा पूरा कट जाए, शेषफल ना बचे। अगर हम तीन से करेंगे, दो से करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा 125, भाग देके देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ शेष आ जाएगा, शेष नहीं लाना है। तो इसे पांच से भाग करेंगे तो पांच दूना दस, हाफी लाया दो, घटाने दो आया, पांच उतारा पचम 25। देखिए यहाँ पे कोई भी हासिल नहीं आया, जीरो आया, इसलिए हमने पांच से काटा। जिससे भाग दिए उसको इसके सामने लिखा, और जो भागफल प्राप्त हुआ ऊपर वो इसके नीचे लिखा। समझ गए ना? ऐसे आप 25 से भाग देंगे पांच से तो पांच आएगा, पांच को पांच से भाग देंगे तो एक आएगा। समझ गए ना? इसे आप ऐसे लिख देंगे, घनमूल का निन्नफान लगा करके पांच बुढ़ा पांच बुढ़ा पांच। कहां से आए? ये जो है वही। क्लियर? तीन तीन का पेयर बना लेंगे, एक पेयर से एक जानवर बाहर निकाल देंगे। जानवर मतलब वही जो कुछ रहेगा उसमें। कितना आ गया? 5। इसी तरह से आप 1000 को काट लेंगे तो 10 आएगा, कर लीजिएगा। समझ गए ना? तो ये सवाल समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। जल्दी से क्लास को लाइक कर दें, फिर हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें, ध्यान दें। आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने क्लास को लाइक कर दिया होगा बाबू, अगर नहीं लाइक किया तो अभी तुरंत कर दें। देखिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ गया, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे पुराना सवाल। पुराने सवाल में भी वही करेंगे जो सोल्यूट सबके साथ किया गया है। तो ये जीरो जीरो इतना है ना, यहाँ पॉइंट लगा दिया। क्लियर? अब इसे क्या करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 1000 अपॉन 1000। क्या मैंने सही लिखा है? नहीं सही लिखा, गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए चार अंक है ना, दशमलव के बाद चार अंक है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चार जीरो बढ़ाएंगे ना, चार जीरो बढ़ाएंगे। अगर दशमलव के बाद दो अंक होता है तो 100 से भाग करते हैं, तीन अंक होता है तो 1000 से भाग करते हैं, ये तो करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ जाएगा। समझ में आया ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नहीं संकोच पूछ सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, अब करेंगे क्या भाई, जो करना था वही करेंगे। ये घनमूल का चिन्ह लग जाएगा, ये काट दीजिए तीन जीरो से तीन जीरो, ये बचेगा घनमूल के अंदर 1/10। आप जानते हैं 10 का घनमूल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 10 का जो गुणनखंड होगा 2 और 5 होगा, इसमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा, अतः इसका कोई घनमूल नहीं होगा, 1/√10 इसका उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 1 का घनमूल 1 हो जाएगा। समझ गए ना? 1 का कुछ भी करें 1 होगा, घनमूल भी 1 होगा, वर्गमूल भी 1 होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अगर ये 1/√10 होता तो ये सही था। समझ में आया ना? लेकिन वो बहुत अजीब सा सवाल है, उसको छोड़ दीजिए अभी, आप आगे देखिए आसान पहले, नहीं तो इसमें कंफ्यूज होंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब एक संख्या धन हो तथा एक ऋण हो तब कैसे निकालते हैं घनमूल। -5/1000 आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे? वही जो तरीका पहले था वही अब भी होगा। आप सभी जानते हैं कि माइनस संख्याओं का घनमूल माइनस होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि -512 का घनमूल तो क्या होगा, -8 होगा, केवल उत्तर में भी माइनस आ जाता है, बस बाकी कुछ भी नहीं होता। समझ में आया ना? लेकिन अगर वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में प्लस हो जाएगा। बाबू याद रखिएगा, वर्गमूल में माइनस नहीं होगा, क्योंकि दो दो का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, दो दो का बनता है ना, समझ रहे ना? तो अब आप समझ गए होंगे, ये -8 हो गया किसका, इसको पूरा लिख लेता हूं मैं, ऐसे ही लिखा गया था, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा -8/10। जब आप काट देंगे तो -4/5, -4/5 ऑप्शन नंबर बी सही है। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम अगला सवाल आपको दिखाते हैं तुरंत झटपट। एक बात ध्यान दें, जब क्लास छोटी होती है तो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक शामिल होते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स हम नहीं पढ़ते हैं तो कुछ जल्दी होता है, और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल होते हैं। आप लोग कृपया करके ये कमेंट करें, क्या आप इस तरह की क्लास चाहते हैं, या फिर वो लंबी वाली क्लास चाहते हैं जिसमें सबका नाम बुलाया जाता है लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, टॉपिक बहुत कम उसमें कवर हो पाते हैं। जल्दी से बताएं कैसी चाहते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। 6ठा और 7वां सवाल का जवाब दीजिए, आपके सामने आ चुके हैं, बहुत ही आसान है बाबू, ये बहुत ईजी है, वेरी इजी है। ध्यान दीजिए, ये जब संख्या के आगे माइनस लगा हो तब कैसे करते हैं। देखिए घनमूल का पूरा निचोड़ देखेंगे हम लोग, घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट बोला जाता है, ठीक है ना? तो अगर इस तरह का है तो कैसे करेंगे, जैसे मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसकी जो रियल तस्वीर है वो कुछ इस है, ऐसे ये यहाँ 3 होता है घनमूल में, ये माइनस यहाँ लगा है मतलब, और इसके अंदर में भी लगा है माइनस, ध्यान दीजिएगा,
ये माइनस अंदर में भी है। अब जल्दी से बताओ कितना उत्तर आएगा, फटाफट कमेंट करें। जब यहाँ भी माइनस हो यहाँ भी माइनस हो आप कैसे करते हैं, जल्दी करें सभी लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 में ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? अब हम आपको बताते हैं क्या होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। पहले आपको एक बात ध्यान देना है, जो भी संख्या का वर्गमूल होता है पहले उसे आप लोग समझ लें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झंझट के। तो आप जानते हैं 343 का वर्गमूल जो है वो 7 होगा, 7 होगा, करके देख लीजिएगा। अभी मैंने जोड़ा बना के दिखाया था, जिन लोगों ने नहीं समझा वो क्लास को पीछे करके देख लेंगे, वीडियो को पीछे करके देख लेंगे, या फिर इस क्लास को अभी जब खत्म हो जाएगी तो रीप्ले करके फिर से देख लेंगे। बार बार देखिए, हजार बार देखने, क्योंकि ये देखने की चीज है ना। तो कैसे होगा, कैसे 27 का घनमूल क्या होगा, 3 होगा, आप जानते हैं। तो ये ब्रेकेट के अंदर क्या होगा, 3, समझ रहे हैं। ब्रेकेट मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बाहर भी तो माइनस है ना, ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब आप समझ गए होंगे सारा मामला क्या है, अगर यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस। वैसे ये भी हो जाएगा, इसका घनमूल 7 हो जाएगा, माइनस 7, और बाहर वाला जो 7 था ना ये 7। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने कोष्ठक क्यों लगाया, आखिर कोष्ठक क्यों लगाया। कोष्ठक इसलिए लगाया क्योंकि इसमें माइनस था, है ना, समझ रहे ना। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, अगर कहीं अंदर में भी घनमूल के माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो उसका उत्तर जो भी आएगा प्लस में आएगा, समझ गए ना। कोई सवाल है तो नहीं सब कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल हम आपको दिखाएंगे, आपके घर से करके लाना है उसे, चाहे द्वार बैठ के कर लेना भाई। देखिए आपके सामने होमवर्क आ चुके हैं, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, ईमानदारी से होमवर्क करेंगे, क्योंकि आप लोग समझदार हो गए अब, है ना। तो 8वां सवाल का होमवर्क आप लोग करके लाएंगे, -331/125 का मान क्या होगा, घनमूल निकालना है क्योंकि चिन्ह वही लगा है। नंबर 10वां सवाल है, 9वां है, -125/1728 का घनमूल क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 10th में ऑप्शन नहीं है, इसमें यहाँ माइनस लगा है बाहर, अंदर में प्लस है। कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, इस क्लास को रोक करके एक एक वीडियो को इसको हल करके कमेंट करें, या क्लास को फिर से देखें और कमेंट अवश्य करें, समझ रहे ना। उस तरह से 11 और 12 इन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को देना है। कुल मिलाकर के ये 5 सवाल आपके सामने हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो पक्का कर ले जाएंगे, अगर थोड़ी सी बेईमानी की तो नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं फिर, आज की क्लास में बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप नंबर नहीं लिया तो ले लीजिए, 9793488 और 448, इस नंबर को अपने फोन में सेव करेंगे, इसकी व्हाट्सएप स्टेटस को देखते रहेंगे, आपको सारी अपडेट मिलेगी। कृपया ध्यान दें, नंबर सेव करने के बाद हो सकता है कुछ समय लग जाए, मैक्सिमम 72 घंटे का टाइम लग सकता है, तब आपको हमारी व्हाट्सएप स्टेटस दिखने लगेगी, लेकिन अधिकतम जो है 72 घंटे, कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा बस, समझ रहे ना। तो ये नंबर सेव कर लें और नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हमसे बने रहेंगे हमारे साथ। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं pbrstudy.com, जहां से आप सारी जानकारियों को खुद ब खुद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com, आप फोन कॉल भी कर सकते हैं 7848-32-999 या फिर 7848-33-999। कृपया ध्यान दें, फोन कॉल करने का जो टाइम है वो आपका कौन सा समय है, सुबह 10 से 11 बजे। जी बिल्कुल, अब टाइम मात्र 1 घंटे है, 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसके बाद अगर कॉल करेंगे तो हो सकता है आपकी कॉल ना उठे या आपको समस्या हो। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, फिर से मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करके जाइएगा और लाइक अवश्य करें, अगर हर दिन क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।